मैं हूं इम्तियाज अहमद, स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल आई टी जेड इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्फिनिटिव को पैसिव वॉइस में बदलना बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अपनी बातें कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। वीडियो देखें, देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और मुझे कमेंट कर लें। आइए सीखते हैं इन्फिनिटिव को पैसिव वॉइस में बदलना। सबसे पहले समझो कि इन्फिनिटिव होती क्या है। तो किसी भी बेस वर्ब के पहले प्रीपोजिशन टू रखने से वह क्रिया इन्फिनिटिव बन जाती है। जैसे मान लिया जाए कि खाना, ईट, ठीक है, यह आपका बेस वर्ब है, इसको हम लोग वी वन भी कह लेते हैं। अब अगर इसके पहले हम टू रख दें तो टू प्लस वी वन ये अब इन्फिनिटिव बन जाती है, ठीक है। अब ऐसे आप बना लीजिए, टू गो, टू कम, टू रीड, ठीक है, एटसेट्रा। आपने अभी तक जाना कि बेस वर्ब के पहले टू रखने से वह क्रिया इन्फिनिटिव बन जाती है, ठीक है। कि टू प्लस वी वन क्या कहलाएगी? इन्फिनिटिव। कौन सी इन्फिनिटिव? इन्फिनिटिव भी दो तरह की होती है। एक ऐसी इन्फिनिटिव होती है जो अपने पहले टू रखती है और एक ऐसी होती है जो अपने साथ या अपने पहले टू नहीं लेती है। तो जो इन्फिनिटिव अपने पहले टू लेती है इसे आप फुल इन्फिनिटिव कहते हो, ठीक है, और जो अपने पहले टू नहीं लेती है उसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो आज मैं फुल इन्फिनिटिव को पैसिव में बदलना बताऊंगा, ठीक है। अब ये आपका ये जो फॉर्म बना टू प्लस वी वन ये एक्टिव वॉइस बनता है, एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट बना लो कि अगर टू प्लस वी वन मतलब इन्फिनिटिव किसी भी तरह के सेंटेंस में अगर आए और उसे पैसिव बनाना हो तो ये टू प्लस वी वन हमेशा हमेशा टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, यानी कि ये फॉर्म जो है आपका पैसिव वॉइस है। मुझे कॉन्सेप्ट आपको ये देना है कि अगर कहीं भी हम टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव को पैसिव में ले जाते हैं ना तो वह टू बी प्लस वी थ्री में बदल जाती है। अब देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपने एक्टिव फॉर्म में टू इट रखा है। अब टू इट तो होता क्या है कि ये इट जो है बेस फॉर्म है, इसे हम कहाँ ले जाते हैं? तो वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में। और चूंकि ये एक्टिव क्रिया जो है इन्फिनिटिव है टू प्लस वी वन, अब इट तो जाकर के वर्ब का थर्ड फॉर्म बना, अब हमें टू बी से एक क्रिया लेनी होती है। तो हम कौन सी क्रिया ले पाएंगे टू बी से? तो हम टू बी ले पाएंगे, इसलिए कि एक्टिव क्रिया अगर आपकी इन्फिनिटिव है तो टू बी से आपको इन्फिनिटिव लेना पड़ेगा। अगर एक्टिव क्रिया बेयर इन्फिनिटिव होती है तो आप बी लेते हो, है ना। एक्टिव क्रिया अगर भी टू होती है तो आप टू बी से वाज वर यानी कि भी टू लेते हो। एक्टिव क्रिया अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आप टू बी से बीन लेते हो। मतलब क्या करना होता है कि एक्टिव को पैसिव बनाते समय हर एक क्रिया वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाएगी और जिस फॉर्म की वो वर्ब है वही फॉर्म हम टू बी से लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ना कि एक्टिव क्रिया जिस टेंस में बनी है वही टेंस पैसिव का भी बनना चाहिए। ऐसा तब होता है जब वर्ब का फॉर्म जो है अगर वही फॉर्म हम टू बी से लेते हैं तो एक्टिव और पैसिव
दोनों क्रियाएं सेम टेंस में बना करती हैं। अब टू ईट, तो इसको कैसे ले जाओगे, टू बी ईटन, ही इज टू बाई अ कार। अब यहां मेन वर्ब आपका इज टू बाई है, अ कार ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, ठीक है। अब टू बाई इसे हमें पैसिव में बदलना है, तो बाई तो जा करके वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। अब हमें क्या करना होगा कि टू बी से हमें टू बी लेना पड़ेगा, इसलिए कि ये क्रिया अगर इन्फिनिटिव है तो टू बी से इन्फिनिटिव। कैसे, अ कार इज टू बी, ये कहां से, टू बी से, बाई वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएगी, बॉट बाई ही, इधर जाकर के बाई एजेंट बनेगा, बाई हिम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई हैव टू सेल माई वॉच, मुझे अपनी घड़ी बेचनी है। अब यहाँ हैव टू सेल वर्ब है, माई वॉच ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट। अब बदलते हैं इसको पैसिव में, ऑब्जेक्ट आकर के क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। इसको आप दिखा लो, ये भी दिखा लो पैसिव है, ठीक है। माई वॉच हैज, अब आई के लिए हैव होता है तो माई वॉच ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का प्रयोग होगा। माई वॉच हैज टू बी सोल्ड बाय मी, ठीक। आओ इन्फिनिटिव को हम कुछ और सेंटेंसेस के अंदर रख करके उसे हम पैसिव में बदलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, देयर इज नो टाइम टू लूज, ठीक है, देयर इज नो टाइम टू लूज। अब देयर इज नो टाइम ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, और इसके बाद टू लूज ये इन्फिनिटिव है। अब इज तो भाई कभी भी ट्रांजिटिव होती नहीं, मतलब इज को हम पैसिव में बदल नहीं पाएंगे। अब पैसिव किसका बनेगा, तो टू लूज का। अब अगर इस सेंटेंस की कॉम्बिनेशन हम समझें तो देयर इज नो टाइम ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, जिसका मतलब होता है कि समय नहीं होता है, किस लिए, टू लूज खोने के लिए। अब यहाँ टू लूज जो है ये इन्फिनिटिव है। सबसे पहले इस तरह के सेंटेंसेस में आप क्या कीजिएगा कि देयर इज नो टाइम ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, सबसे पहले लिख लेना है देयर इज नो टाइम। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि टू प्लस भी वन अगर कहीं भी आप उसको इन्फिनिटिव को ले जाओगे पैसिव फॉर्म में, तो वह टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये टू बी कहाँ से, तो टू बी की कैटेगरी से, और लूज का थर्ड फॉर्म होता है लॉस्ट। अब देख लेते हैं इसकी हिंदी, देयर इज नो टाइम टू लूज, समय खोने के लिए नहीं होता है। There is no time to be lost, समय खोए जाने के लिए नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से पैसिव आपका इन्फिनिटिव का बनेगा। बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं भी आप इन्फिनिटिव को पैसिव फॉर्म में ले जाओगे ना, तो वह टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। एक दो और एग्जाम्पल देखो, इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम उचित समय है, इसका मतलब हुआ इट इज टाइम उचित समय है, किस लिए उचित समय है, टू प्ले खेलने के लिए। अब इट इज टाइम जो है ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और इन्फिनिटिव टू प्लस भी वन इन्फिनिटिव है, हम टू प्लस भी वन यानी कि इन्फिनिटिव को पैसिव में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, पैसिव फॉर्म, इट इज टाइम टू बी
प्लेट, ठीक है। कहीं भी मैंने तो कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर इन्फिनिटिव कहीं भी पैसिव फॉर्म में जाएगी तो वह टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। एक एग्जांपल और रखो, थोड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन है, मैं उसको बारीकी से समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, ठीक है। अब सबसे पहले आप सेंटेंस को एनालाइज करो, है ना। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, ठीक है। अब देखते हैं, लाइक्स जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब यह हुआ कि पीपल जो है लाइक क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि टू कॉल ये वर्ब है, इसका ये पीपल जो है सब्जेक्ट है। मतलब क्या हुआ कि ये एक क्लाउज है जिसकी क्रिया ऑलरेडी क्या है, तो इनट्रांजिटिव है, और लाइक्स का सब्जेक्ट जो है ही है, ठीक है। अब अगर ये लाइक्स जो है इनट्रांजिटिव बनी है तो मतलब हुआ कि हमें इसको पैसिव में नहीं बदलना है, क्लियर। पीपल जो है सब्जेक्ट है, किस वर्ब का, टू कॉल का, है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। हिम जो है ऑब्जेक्ट है, और सर जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, है ना। ही हिम और सर, ये तीनों शब्द एक ही व्यक्ति के लिए आए, किसके लिए, ही के लिए। ही लाइक्स, वह पसंद करता है, क्या पसंद करता है, पीपल टू कॉल हिम सर, वह पसंद करता है कि लोग उसे सर कहें। तो सबसे पहले ही लाइक्स आप ज्यों का त्यों रख लीजिए, ही लाइक्स। आपको पता है कि पीपल जब सब्जेक्ट बनता है तो बाई प्लस एजेंट से हट जाता है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है और लाइक्स क्या है, तो वर्ब है। अब वर्ब ये भी तो वर्ब का भाग है, तो आप लाइक्स के बाद इसको रखें पैसिव फॉर्म में, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड क्या, सर। अब इसकी हिंदी बन जाती है, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, वह सर कहलाया जाना पसंद करता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि कहीं भी आप अगर इन्फिनिटिव को पैसिव में ले जाओगे ना, तो वह टू बी प्लस बी थ्री में बदल जाएगी। बस एक ही कॉन्सेप्ट है, एक दो एग्जाम्पल और रख करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, इट इज नो टाइम टू प्ले क्रिकेट। अब देखो इस सेंटेंस का एनालिसिस कर लेते हैं। इट इज टाइम, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, ठीक है। इसके बाद ये टू प्लस वी वन जो है इन्फिनिटिव है, और इसके बाद यहाँ एक नाउन आया है, और नाउन क्या है, तो टू प्ले का ऑब्जेक्ट है। क्या करेंगे, सिंपली बना लेंगे इसको, कैसे। सबसे पहले आप इस क्लाउज को ले लीजिए, इट इज नो टाइम, समय नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो प्ले है ऑब्जेक्ट है ना, तो इधर आके सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट यहां बनेगा, लेकिन बस यही रखना है, टू प्लस भी वन तो टू बी प्लस थर्ड में बदल जाएगी ही, लेकिन अगर ये नाउन सब्जेक्ट बनेगा तो इसके पहले हमें क्या लेना है, तो फॉर लेना है। बस एक चीज बदलाव हुआ कि इन्फिनेटिव के बाद अगर कोई नाउन आए जो ऑब्जेक्ट हो, तो आकर के इधर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और उस सब्जेक्ट के पहले हमें क्या रख लेना है, फॉर। इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, टू बी प्लेड।
सब मिलाकर के मैं कहूं कि कॉन्सेप्ट एक ही है कि अगर 2 प्लस वी वन इन्फिनिटिव एक्टिव फॉर्म में दी गई है और उसे पैसिव फॉर्म में करना है तो वह हमेशा हमेशा टू वी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, चाहे उसका प्रयोग आप जिस तरह के सेंटेंस में करना चाहो कर लो। ठीक है, अब एक अंतिम सेंटेंस, ही वांट्स देम टू ब्रिंग फ्लावर्स। ठीक है, अब इसको भी एनालाइज कर लीजिए। ही वांट्स एक सेंटेंस है और ये जो वांट है ये इंट्रांजिटिव है, मतलब इसको हमें पैसिव में नहीं बदलना है। देम जो है ये वांट क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ब्रिंग का ये सब्जेक्ट है। अब आप सवाल पूछोगे कि सर ऐसा क्या है कि जब ये देम है सब्जेक्ट तो फिर इसका केस नॉमिनेटिव होना चाहिए। तो मामला क्या है कि वांट जो है ये वर्ब है और वर्ब के बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सब्जेक्ट बना है लेकिन इसका प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की जगह हुआ है। इसी वजह से ये देम जो है ऑब्जेक्टिव केस में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब बना लेंगे सिंपली, ये सब्जेक्ट है तो बाई प्लस एजेंट से गायब हो जाएगा। ठीक है, अब बनाइए पैसिव फॉर्म, ही वांट्स फ्लावर्स, ही वांट्स फ्लावर्स टू बी ब्रॉट, टू बी ब्रॉट। मुझे यकीन है कि आपने इन्फिनिटिव को पैसिव में बदलना समझ लिया होगा। अगर समझ लिया है तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूं, आप उसे सॉल्व करके कमेंट कर लें। इट इज टाइम टू एक्सेप्ट द चैलेंज। ठीक है, इट इज टाइम टू एक्सेप्ट द चैलेंज, यह समय है चैलेंज को एक्सेप्ट करने का, चुनौती को स्वीकार करने का। आप इसे पैसे में बदलें और बदल करके मुझे कमेंट करें, मैं भी देखूं आप कहां क्या कर रहे हो। ठीक है, फिर मिलता हूं कुछ और लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा।